करें ना फिर इधर जाएगा जुमात के लोगों का मुस्तरद कर दो इस बात की निशानी है अखबार में ये तबसरा भी आया है हाँ नमाज सही है नमाज पहले बिल्कुल भी जरा सी भी टेंशन पहले नमाज फिर काम न्यूज़ नहीं है जीव न्यूज़ देखो सलीम साफी नहीं है हाँ सिर्फ सलीम साफी अमित मीर नहीं है बाकी सारे हैं بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد آج کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان اور شرکاء نے وہ تمام معلومات ساتھیوں کے سامنے رکھے جو 2002 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اور جو 2008 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اور جو 2013 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اور جو 2018 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اور جو درخواست حیدری صاحب نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے نام سے دیا ہے وہ بھی اور جو مولانا نے خود اپنے دستخط سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے نام سے درخواست دیا ہے وہ بھی اور جو مولانا قمر الدین صاحب کے دستخط سے
जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान के लिए कलम का इंतखाबी निशान के अलाटमेंट के लिए दरख्वास्त है वो भी। लिहाजा साथियों के सामने अब ये बात किसी इबहाम में नहीं रही है कि मौलाना ने अपने ग्रुप को या तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजल और रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है जिसमें ये तमाम साथी न रुकन थे न रुकन हैं और न रुकन रहेंगे, बल्कि ये तमाम के तमाम उस जमात के अरकान हैं जो अकाबिर से वरासत में हमें मिली है और वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जो हमारे दस्तूर का दफ़ा नंबर 1 में इसका नाम मुतय्यन किया गया है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम के जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का जो आइंदा के लिए लाए अमल होगा उसके 3 जिहात होंगे। एक ये कि हमने क्या करना है, दूसरा ये कि फजलुर रहमान ग्रुप से हमारा रब्ता किस नौयत का होगा, तीसरा ये कि इंतिशार के खात्मे के लिए क्या होगा, चौथा ये कि आइंदा की रुकन साजी और तंजीम साजी के लिए क्या तजवीज़ है। सबसे पहली बात कि हमारा किरदार क्या होगा, उसके लिए 7 बुनियादी उसूल और निकात होंगे। सबसे पहला नुक्ता ये है कि कोई भी साथी कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी किस्म का कदम न उठाएगा न कोई कौल और किरदार अदा करेगा, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं ला तुक़द्दिमु बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। दूसरा नुक्ता ये है कि अल्लाह की हिदायत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत का मुज़ाकरा दावत के ज़रिए से जमाती साथियों के साथ जारी रखा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह जल जलालू फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मुमिनीन, हिदायत और सुन्नत की ये याद दहानियाँ आपस में कराया करो और ये मुज़ाकरा ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचाता है। तीसरा उसूल ये होगा कि किसी साथी को भी किसी भी काम पर मजबूर नहीं किया जाएगा और उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, बल्कि साथियों को तरगीब दिलाई जाएगी कि हर एक साथी अपने इलम का मुकल्लफ है। अगर आप हजरात समझते हैं कि मौजूदा नज़म की तमाम कारकर्दगी सदाकत और दियानत की बुनियाद पर है तो आप अपने इलम के मुकल्लफ है, किसी दूसरे के इलम की तकलीफ आप पर लाजिम नहीं है। तो ऐसी सूरत में मुआवनत आपका ईमानी फरीज़ा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह जल जलालू फरमाते हैं तआवनु अलल बिर्र व तक्वा, सदाकत और दियानत बिर और तक्वा है, और उस सूरत में आप पर मुआवनत वाजिब होगा, जैसा कि अल्लाह जल जलालू फरमाते हैं कि अच्छाई और सच्चाई पर एक दूसरे की मुआवनत किया करो। और अगर कोई साथी समझता है
कि जो कुछ हो रहा है वो दियानत और सदाकत से खाली है, तो फिर जाहिर बात है कि अल्लाह जल्ले जलालु फरमाते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कज़ब युहलिक, झूठ इंसानों को तबाही के गड़े में धकेल देता है। और अल्लाह जल्ले जलालु फरमाते हैं ला तुतिउल मुकज़्ज़िबीन, झूठों की पैरवी ना करो। और ख़ियानत के बारे में अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़वानिन कफूर, हर खाइन को अल्लाह नापसंद करता है। तो फिर झूठ और ख़ियानत अल्लाह को नापसंद हैं। और अगर कोई साथी समझता है कि नज़म की तमाम कारकर्दगी झूठ और ख़ियानत पर है, तो फिर झूठ और ख़ियानत तो अल्लाह को नापसंद है, लेकिन साथी ने अपना फ़ैसला ख़ुद करना होगा कि वो खालिक की पैरवी को अपने लिए खैर समझता है या अपनी ख्वाहिश की पैरवी को अपने लिए खैर समझता है। ये फ़ैसला उसका ख़ुद होगा, कोई साथी उस पर दबाव न डाले कि ये करो ये न करो, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाती ला इकराह फिद्दीन, खैर के इंतखाब में कोई जबर नहीं है। कोई हवा परस्ती अपने लिए खैर समझता है या खुदा परस्ती। चौथी बात यह है कि हम तमाम साथियों को तरगीब दिलाएंगे कि वो जमात के साथ, जमाती इदारों के साथ, जमाती अरकान के साथ राबते ना तोड़े और उनको पीठ ना फेरें, ज़िद ना करें, हसद से काम ना लें। सब अल्लाह के मुखलिस बंदे बने और अख़ुवत के रिश्ते में जुड़े रहें, जो यही हिदायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। पांचवा नुक्ता ये होगा कि नज़म के शरीक लोग हमारे बारे में जो कुछ भी कहें उनको हम सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहेंगे, न जज्बाती बनकर उनके गले पड़ेंगे और न मायूस होकर अपने फरीजे से दस्तबरदार होंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि उनको तन्हा किया जाए, यानी न कोई साथ दे और न कोई मुखासमत करे। साथ देने से अल्लाह नाराज़ होगा और मुखासमत की सूरत में वो खुद रास्ते से भटक चुके हैं तो हमें भी भटका देंगे। जैसा कि अल्लाह जल जलालु फरमाते हैं वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, गलत रविश वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहें उनसे न जज्बाती बनो और न मायूस, बल्कि खूबसूरत अंदाज से उनको तन्हा कर दो ताकि वो अकेले रह जाएं, न उनका साथ दो और न उनका मुकाबला करो। बल्कि अल्लाह जल जलालू फरमाते हैं वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन्नामा व महलुम कलीला, मुझे और खुशहाल ज़िंदगी वाले झूठों को हम दोनों को आपस में छोड़ दो और तुम दरमियान में से निकल जाओ, क्योंकि ये मेरे मुजरिम है तुम्हारे मुजरिम नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ उनके साथ करता हूँ उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। छठा नुक्ता ये है कि हमारे दावत का महवर तीन बातें होंगी। एक ये कि सच बोलो, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सिदकु युंजी, और सच का साथ दो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं कूनू मुअस्सादिकीन, सच्चों का साथ दो। दूसरा नुक्ता ये होगा कि झूठ कतन न बोलो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कज़्ज़िबु युहलिक,
और झूठ तबाही मचा देगा, और झूठों का साथ भी न दो, क्योंकि अल्लाह जल जलाल फरमाते हैं वला तुतिउल मुकज्जिबीन, झूठों की पैरवी न करो। तीसरा नुक्ता ये होगा कि हक को छुपाने के लिए हक को बातिल से मुलवस न किया जाए, यानी बातिल के साथ खल्त न किया जाए, बल्कि सरीह हक बोला जाए ताकि किसी किस्म का इबहाम और इश्तवा उसमें ना हो और लोगों के नज़रों से हक ओझल ना हो। इसलिए कि अल्लाह जल जलाल फरमाते हैं ला तलबिसुल हक बिलबातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, हक को बातिल के साथ खल्त ना करो और मुलवस ना करो, क्योंकि इस तरीक़े से हक लोगों के नज़रों से ओझल हो जाएगा, जबकि तुम्हें सरीह हक का बखूबी पता है। और दूसरी आयत में अल्लाह जल जलालु फरमाते हैं या अहलल किताब लिमत अलबिसून अलहक बिलबातिल व तक्तुमून अलहक व अंतुम तालमून, किताब वालो तुम हक को बातिल के साथ खल क्यों करते हो, और बातिल इस तरीके से हक लोगों के नज़रों से ओझल हो जाएगा, जबकि तुम्हें सरीह हक का पता है। लिहाजा तीसरा नुक्ता हमारा ये होगा कि हक साफ सुथरा बयान किया जाएगा ताकि किसी किस्म का इबहाम और इश्तवा उसमें ना रहे। सातवां नुक्ता ये है कि जो साथी दौलत और इज्जत के भूख से इज्तिनाब करते हैं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दो भूखे भेड़िए किसी के रेवड़ का इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कि दो भूखे इंसान अल्लाह के दीन की को तबाह करते हैं, एक इज्जत का भूखा और दूसरा दौलत का भूखा। तो जो साथी इन दोनों भूखों से इज्तिनाब करते हैं और अपने सियासी अमल और रहनमाई के बदले में किसी किस्म की उजरत और सिफत के ख्वाहान नहीं हो, जैसा कि अंबिया अलैहिस्सलाम का फरमान है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम इस दावत और रहनमाई के बदले में न तुमसे कोई उजरत लेने और न सिफत के ख्वाहां है, तो ऐसे साथियों के लिए बाहम मरबूत रखने और उनके राबते को मुस्तहकम बनाने के लिए वक्त फ़ौक्तन मशवरे होंगे और जो भी तौर तरीक़े उसके इस्तेहकाम के लिए साथियों के मशवरे में तय होंगे वही लाहा अमल इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जल जलालु फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनु सबिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो बर्दाश्त के साथ साथ अगर हालात ऐसे हों कि अमली मैदान में आप कोई कदम न उठा सकें लेकिन कम से कम अपने आपस का रابطہ न टूट जाए और उसको बरकरार और मुस्तहकम रखा जाए। लिहाजा ऐसे साथियों के दरमियान रابطے को बरकरार और मुस्तहकम रखने के लिए साथियों के दरमियान मुशावरत होगी और उसके जो भी तौर तरीक़े मुनासिब होंगे वो इख्तियार किए जाएंगे। ये सात बुनियादी उसूल व नुकात हमारे अपने रविश के लिए होंगे, बाकी मौजूद नज़म के साथ हमारे राबते की नवीयत के लिए चार तजावीज़ हैं। नज़म जो फजलुर्रहमान ग्रुप का है, अगर वो किसी भी सतह का ग्रुप नज़म किसी प्रोग्राम में हमें दावत दें तो हम ज़रूर शरीक होंगे, और अगर वो हमें दावत न दें और वो समझते हैं कि दावत देना तो अहमियत के बराबर है और हमने जो इतना अल्लाह की नाराज़गी अपने सर ली है तो तुम्हारी अहमियत घटाने के लिए ली है, तो फिर
हम खुद भी उन प्रोग्रामों में शामिल होंगे अगर हमें पता चले या हम पहुंच सके, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो हर सतह की नज़म के ज़िम्मेदार हमें ये इत्मीनान दिलाएं कि अगर हम प्रोग्राम में अज खुद गए तो सामने कोई खड़ा नहीं होगा कि तुमको किसने बुलाया है और तुम किस लिए आए हो और तुम क्यों आए हो। बड़े जो उम्र रसीदा साथी हैं या जो तजर्बाकार हैं उनके लिए तो इन बातों की भी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन बहुत जज्बाती साथी होते हैं कि उससे मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम वहाँ प्रोग्राम में जाएंगे तो ज़रूर नारे लगेंगे, तो वो जो शोर शराबा होगा और नारे लगेंगे उसको फिर ये हैसियत न दें कि ये हमारे प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए है। जब इन दो बातों का हमें इत्मीनान देंगे तो फिर बिन बुलाए भी हम उनके प्रोग्रामों में जाने के लिए तैयार होंगे। तीसरी बात ये कि अगर वो न हमें बुलाएं और न हमें खुद जाने के लिए इन दो बातों का इत्मीनान दिलाएं, तो फिर तीसरी सूरत यह है कि जो साथी हमारे लिए प्रोग्राम बनाते हैं हम उनसे कहेंगे कि इन नज़म वालों को भी बुलाओ ताकि वो आ जाएं। तो फिर हमारे प्रोग्रामों में दावत की सूरत में वो शरीक हो जाएगा, और अगर वो उसके लिए भी आमादा न हो तो फिर कम अज़ कम अपने प्रोग्राम जब चलाएं तो मुस्बत अंदाज में चलाएं, मनफी अंदाज में न चलाएं कि फलां के पास न जाओ, फलां को न सुनो, फलां को साथ न बैठो। ये जो मनफी रवैया है इसको मुस्बत रवैये से तब्दील कर दें। तो ये चार तजवीज़ें हैं मौजूदा फजलुर्रहमान ग्रुप के नज़म के साथ हमारे रबते के लिए। वो दावत दें, दो बातों की इत्मीनान के बाद हम खुद जाएं, हमारे प्रोग्रामों में उनको दावत दें वो आएं, या फिर अपने प्रोग्राम को मुस्बत चलाएं। तीसरा नुक्ता कि इस पूरे इंतशार को जब हम एक वहदत से बदलें तो उसके लिए भी हमारे चार तजावीज़ हैं। सबसे पहली तजवीज़ ये है कि मरकज़ी मजलिस अमूमी से एक करारदाद पास किया जाए कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजलुर्रहमान और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर्रहमान इन दोनों किस्म के नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए और एक नया नोटिफिकेशन जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम का जारी किया जाए जो हमारे दस्तूर के दफ़ा नंबर 1 के मुताबिक हो, और फिर इस करारदाद को दरख्वास्त के साथ लगाकर इलेक्शन कमीशन को दे, और जब इलेक्शन कमीशन उस पहले दोनों नोटिफिकेशन को मनसूख करेगा और इस नए नोटिफिकेशन का इजरा करेगा तो इन दोनों की कापियां मरकज़ी मजलिस अमूमी के अरकान में भी और सूबाई मजालिस अमूमी के अरकान में भी तकसीम कर दें। दूसरी तजवीज़ हमारी ये है कि मरकज़ी मजलिस अमूमी से करारदाद पास किया जाए कि जो हमारे अकाबिर का दस्तूर था जो बकौल हमारे मरकज़ी अमीर के 2015 के सखर के इजलास में कि वो तक्वा की बुनियाद पे वज़ा किया गया था, तो अमूमी से करारदाद पास किया जाए कि हमारा जो अकाबिर वाला दस्तूर है वो बहाल है और बाद की जितनी भी तरामीम है वो कल आदम है, ताकि हमारा जो तक्वा की बुनियाद पे बनाया हुआ दस्तूर था वो ही हमारे जमात के लिए दस्तूरुल अमल बन जाए। तीसरी तजवीज़ ये कि मरकज़ी मजलिस अमूमी से करारदाद पास किया जाए कि 2015 के सखर के इजलास में
सूबाई जमातों के पास जो इख्तियारात पहले से थे और चले आ रहे थे अकाबिर के ज़माने से, और सखर के इजलास में उनको वापस करके मरकज़ के पास मुंतकिल किया, तो ये तीसरी करारदाद मरकज़ी मजलिस अमूमी से ऐसा पास किया जाए कि वो तमाम इख्तियारात जो लिए गए थे सूबों को वापस कर दिए जाएं। चौथी तजवीज़ ये है कि जो लोग समझते हैं कि रुकन साजी और तंजीम साजी में दियानत और सदाकत से काम नहीं लिया गया है, वो जमात के फरीक नहीं है, बल्कि वो उन अफराद के फरीक हैं जो रुकन साजी और तंजीम साजी के लिए मसूल और ज़िम्मेदार हैं। और जमात नाम है इदारे का, लिहाजा मरकज़ी मजलिस अमूमी का भी और चारों सूबों के मजालिस अमूमी के इजलास भी एक ही एजेंडे पे बुलाए जाएं, और वो एजेंडा ये हो कि क्या रुकन साजी और तंजीम साजी में दियानत और सदाकत से काम लिया गया है या दियानत और सदाकत को नज़रअंदाज किया गया। तो जो कहते हैं कि नज़रअंदाज किया गया वो अपनी बात करेंगे, जो कहेंगे कि दियानत और सदाकत पर हुआ वो अपनी बात करेंगे। इदारा फैसला दे देगा, अगर उसने दियानत पे समझा तो भी ठीक है, अगर उसने बददियानती पर मबनी बताए तो फिर उसके लिए हल तजवीज़ कर देगा। तो ये चार तजावीज़ इस पूरे मामले को वहदत पे लाने के लिए हमारे हैं। आइंदा की रुकन साजी के लिए मैं खुद मुल्क भर की रुकन साजी करूँगा, इसलिए कि बलूचिस्तान में ताकतवर क़ुव्वतों के मुकाबले में अगर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान को मुतारफ़ कराया गया है या मुनज़्ज़म किया है या पांव पे खड़ा किया है, उसके लिए बहुत सारे साथियों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, बिलखसूस मौलाना शमसुद्दीन मरहूम और डॉक्टर सरफराज ख़ान ने अपने खून की क़ुरबानियाँ दी और अपने जान क़ुरबान किए हैं। उन हजरात में से इस वक्त अक्सर तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, कुछ साहिब फिराश हैं, और उनमें से सिर्फ अकेला मैं हूँ जो इस मैदान में मौजूद हूँ। मुफ्ती महमूद साहब की रहलत के बाद जमात को दोबारा मुनज़्ज़म करने और पाँव पे खड़ा करने और फ़ाल बनाने के लिए जिन साथियों ने किरदार अदा किया है उनमें से तकरीबन तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ कमज़ोरी की हालत में है, लेकिन उनमें से चलता फुरता अब मैं ही रह गया हूँ। तीसरी बात यह है कि सारे ग्रुपों में चले गए हैं, मसलन मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने फजलुर्रहमान ग्रुप इख्तियार किया, किसी ने सीन ग्रुप, किसी ने नून ग्रुप, किसी ने दार ग्रुप, अकेला मैं हूँ जो इस बात का मुहर्रिक हूँ कि तमाम ग्रुपों को छोड़ के वापस अपनी असल जमात में आ जाएं जो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है। इस हवाले से आइंदा की रुकन साजी मुल्क भर की मैं अपनी निगरानी में करूँगा, और मेरे साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत के मुताबिक पांच मज़ीद ऐसे साथी लूँगा जो ग्रुपों में मुलव्वस नहीं है। तो ये छः बंदे इस पूरे अमल के निगरान होंगे। तो ये हमारे तजावीज़ हैं, सात हमारा अपना लाए है अमल के उसूल हैं, चार नज़म के साथ राबते की तजावीज़ हैं, चार पूरे अमल को मुनज़म और वहदत पे लाने के लिए तजावीज़ हैं, एक आइंदा रुकन साजी और तंजीम साजी के लिए। ये हमारा लाए अमल है टोटल। सर, ये बताएं कि आपने बात की रुकनियत की और आप मुल्क भर के दौरे करेंगे, तो आप किस के लिए करेंगे? क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
दूसरे ग्रुप की पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है, उस वक्त तक आप किस हैसियत में किस नाम पे जाके रुकनियत साजी करेंगे? क्या उस ग्रुप को फिर आप इलेक्शन के पीछे में रजिस्टर्ड कराएंगे, पिछले को चैलेंज करेंगे, होगा क्या? मतलब ये है कि हम तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रुकन है। आप ये देखें, ये नोटिफिकेशन फजल रहमान का है, रुकनियतें तो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान का है। अब ये अलग बात है कि रुकन अरकान एक जमात के हैं, लेकिन यहाँ जब जमा किए जाते हैं तो वो दूसरे नाम से जमा किए। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सोमो मोटो एक्शन ले के रुकनियत एक जमात की और यहाँ रजिस्ट्रेशन जहाँ पे जमा करते हैं वो दूसरे। ये तो उसके उसका हिरानी साहब, आपकी जितनी तजावीज़ हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं और इज्तमाहीत की सूरत इसमें निकल सकती है, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मौलाना फजल रहमान के साथ रह के आपने ऐवान इक्तदार तक आप पहुँचे, पाकिस्तान की बड़ी पोस्टों तक भी आप पहुँचे। मौलाना साहब तो उस वक्त भी मर्द मुजाहिद थे और आज भी उसके साथ जो लोग हैं वो उसी नाम से इनको पुकारते हैं। आखिर अब ऐसी कौन सी ऐसी जो है वो आपको उसने मजबूर किया कि जब उन पर मुश्किल वक्त आ गया तो आपने उनको भीड़ दिखा दी? मेरे ख्याल में अगर आप हकीकत पसंदी से काम लें तो मैंने हमेशा के लिए जो सही बात समझी है वही की है। 1994 में तो ये बातें नहीं थी जब मैं अफगानिस्तान के बारे में कर रहा था कि ये जिहाद नहीं, तो उसमें तो ये बातें नहीं थी। मैं अमीर भी था, सब कुछ मेरे पास था, अरब और अजम तमाम उलमा एक तरफ पे थे, मैं अकेला था। उस वक्त भी मैं था जब मुसल्लह तंजीमों को मैं किराए के कातिल कहता था, ये तो सबको पता है, जब तमाम उलमा उसको मुजाहिद कहते थे। कश्मीर को वो जिहाद कहते थे, मैं फसाद कहता था। मैं उस वक्त अमीर था, सब कुछ मेरे पास था और मैं खुमैनी के इनकलाब की तायद करता था कि ये मजहबी इनकलाब, जब सब मुखालफत करते मजहबी फिरकावारियत के लिए सब उलमा फतवे देते, मैं उसका मुखालिफ था कि ये इस्लाम और उम्मत की खिदमत नहीं है। ये तो मैं उस वक्त भी कहता। अच्छा सर, साहब ये बताइएगा कि एक तौसर ये दिया जा रहा है बाल हल्कों की तरफ से कि शायद फजल रहमान साहब चूँकि आप पी डी एम की हुकूमत मुखालफ तहरीक चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ तहरीक चला रहे हैं, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के कुछ लोग हैं जो आपको उकसा रहे हैं कि आप फजल रहमान ग्रुप में इंतशार डालें और जे यू आई को तकसीम करें, ये इस तरह ये तासर है, तो इस तासर को आप कैसे दायल करेंगे? एम एम ए तो इमरान खान और पी टी आई तो नहीं था। उस वक्त भी मैं कहता था कि एम एम ए माना मुल्ला मिलिट्री अलाइंस, वो उसी वक्त मैं कहता था, शायद आपने भी सुना होगा। और जब मुझसे पूछते थे कि ये चलेगी या बिखरेगी, तो मैं उनसे कहता था कि आप नाम को देखिए, ये मजलिस है, ये पूरी ज़िंदगी बैठी नहीं रहेगी, जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो मुंतज़िर। ये तो मैं उस वक्त भी कहता। फिर जब ये धरना हुआ था तो उस धरने के बारे में मैंने बयान नहीं दिया था कि ये जिस तरह गए हैं उसी तरह वापस हों? तो मैंने हमेशा के लिए न किसी को खुश किया है, न अपनी मोतबरी मद्देनज़र रखी है। अल्लाह की रज़ा और कौम की सही रहनुमाई, ये मेरे मिशन का और मेरे सियासत का असल हदफ। शीरानी साहब ये फरमाएं, इसमें कोई शक नहीं है, आपका एक हैसियत है, एक शख्सियत है, जे यू आई में भी आपकी एक हैसियत रही है, बलूचिस्तान के आप 35 साल तकरीबन सदर रहे हैं, सूबाई दो इलेक्शन आप हार चुके हैं पार्टी के सूबाई, एक आपका वहाँ का नाराज़गी या जो भी है कहा जाए, दूसरा आपके लिए एक तसुर मार्केट में ये है कि आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेलते रहे हैं, मुशर्रफ के साथ मुलाकातें आपकी लोग डिस्कस करते रहे हैं, अब जब मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तासुर है मार्केट में, तो इसको किस तरह आप डिनाय करेंगे? अब मैं उस तासुर को किस वो तो होगा, लेकिन मैं तो पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी चौक मज़दूरों का समझता हूँ। यहाँ मौली फतवे के लिए किराए पे मिलते हैं और यहाँ पे लीडर कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किराए पे मिलते हैं,
जर्नेल फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए किराए पर मिलते हैं, नाराज ना हो आपका मीडिया प्रोपेगंडे के लिए किराए पर मिलता है, किराए के कातिल भी मिलते हैं। मेरा मौक़ तो ये है। इस मौके के बारे में आप क्या फरमाएंगे? शेरानी साहब तबियतुना मंदूर रखे थे, जाहिद मशवानी।